भारत के कहर के आगे भला कौन टिक पाया है। ऐसी ही एक घटना कल अरुणाचल प्रदेश में हुई। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया। चीन सीमा से लगे दिबांग वैली का जिले से पूरे देश का संपर्क कट गया। दिबांग वैली जिला प्रशासन के मुताबिक बुधवार को हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि दिबांग वैली में लैंडस्लाइड की खबर मिली है। हाईवे 313 से ही दिबांग वैली पूरे देश से कनेक्टेड होती है। हमने तुरंत संपर्क स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दिबांग वैली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी। हुनली और अनीनी के बीच हाईवे 313 का काफ़ी बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढह गया। हाईवे की मरम्मत के लिए टीम भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि अभी खाने और अन्य ज़रूरी चीज़ों की किल्लत नहीं है। NH-33 को दिबांग वैली के निवासियों और आर्मी के लिए लाइफलाइन माना जाता है। दिबांग वैली के निवासियों को भी घटना के बारे में बता दिया गया है। उन्हें ये भी जानकारी दी गई है कि हाईवे के कंस्ट्रक्शन में कम से कम 3 दिन लगेंगे। हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होने और बारिश के सामान्य होने तक सभी निवासियों को एहतियात बरतने को कहा गया है।